मजा जब चील आ रही। ओहो क्या हरकतें मिंग भी है। चलो रेन क्या बोलने वाले हैं हम। हम जी ओए ओए चलो हॉली 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 ओके स्लोली थ्री एक और गाड़ी चलो आओ हॉली हॉली आओ गाइस डू नॉट गाइस हेलो डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन लाइफ का मेन रूल है बोला था उन्होंने हमको है ना। चलो सील खुल चुकी है भैया। ओ भाई और ये जो ब्लू रंग का वो दो बारी सील खोलनी पड़ेगी हमें लाइफ में। दो बारी भी सील खोलनी पड़ती है। चलो गाइस ये इसका बैग वो तीन सील हो गई है एक और चार भाई मेरा। हां चलो खोलो सील देखो भी ऐसे मारे। चलो जब सील खुलती है ना जब सील खुलती है बहुत मजा आता है भाई। ये देखो आ रहा है मजा। जी भी जी भी आ रहा है मजा जब सील खुल रही है। नहीं गलत है सही है। बाकी गाइस ये है मैकबुक भाई। देवन मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे क्या हो गया गाइस। ये है मैकबुक एयर M3 चिप है इसकी 8GB 512 8GB रैम आई थी। 8GB रैम है सही है। इतने फोन चल दिए 16GB भी थी। बाकी हमारा मन कर रहा था पहले सेकंड हैंड ले बट फिर हमें डिस्काउंट्स मिले हैं उसका बताएंगे हम आपको। ये देखो भाई कितना प्यारा कलर है। अभी बॉक्स में सीधा रखो। ओ भाई ये मेन पार्ट मेन पार्ट क्या भाई क्या मेन पार्ट इसकी भी सील खोलनी है। कैसे ऐसे निकाल के पहले सबसे पहले आपको ये दिखा दे। हाँ भाई इसकी केबल है ब्लू रंग की ब्लू कलर की ब्लू ग्रे लग रही है ब्लू कलर की लाइटनिंग करके लाइटनिंग करके है। एंड ये है इसका चार्जर अडेप्टर बट इसका टाइप सी नहीं है मैग सेफ लगाया जो मैं बहुत खुश हूँ कि इनका पहला मैग सेफ होता था अब फिर मैग सेफ आ चुका है। बाकी भाई डिजाइन बाय कैलिफोर्निया इसके स्टिकर्स जो है वो भी डिफरेंट कलर के हैं वो भी लगा देते हैं आपको। उन्होंने पहले खोल के दिखाए जानू ये देखो भाई नहीं हमने पहले पूरी रिसर्च करके गए थे ब्लू कलर के स्टिकर भी हैं ब्लू कलर के एप्पल के ये ब्लैक लिखो अभी भी लाइटिंग अब लाइटनिंग लाइटनिंग की वजह से ब्लैक दिख रहे हैं बट वैसे ब्लू है। बाद में दिखाई देने में स्टिकर लगाना इसके ऊपर लैप की नहीं किसके ऊपर लैपटॉप उसके ऊपर यूट्यूब का स्टिकर लगाएंगे। दिखा दे तू दिखा दे बेले बैठे तू दिखा दे की दो बात गई बट दो क्यों लगाए इन्होंने दिमाग बना गई एक कनेक्ट करने के लिए यूएसबी आ रहा। अच्छा पता नहीं भाई यूज करके देखेंगे क्यों लगाए हैं दो महीने एक आईफोन के लिए भी सकते हैं। खोल दो एमपी खोल दो खोल दो खोल दे इसे ये बात खोल ले भाई कितना प्यारा कलर है एक बार लाइट ऑन करते हैं। ओ भाई अब आ रहे ना ब्लू कलर इसमें फ्लैश भी ऑन कर सकते हो ये देखो भाई ब्लू कलर जी बस ही सही है ना ब्लैक आ रहा था अभी भाई। चल कोई नहीं अच्छा से ना हुए इसको निकाल दो पे इतनी सारी सीलें लगी हैं। हेलो बाय हेलो व्लॉग यहीं खत्म होता भाई एंड चाइनीज यही है बाकी ऑन करके देखेंगे फिंगरप्रिंट डाला है बाकी मेक श्योर करा करो इसमें फेस आईडी भी टच भी है। अच्छा टच अच्छा इसमें ओके सो टच भी है एंड फेस आईडी भी है। मैकबुक को टच करना बहुत पसंद है। अबे मैकबुक को हां मैकबुक में सही बात तो सही है एक मैं कट कर दूंगा तार वाला। बाकी यहां डिस्काउंट्स वगैरह का ऐसे था कि हमें मिला 15000 ऑफ क्योंकि हमने दिखा दी रेहान की आईडी स्टूडेंट वाली वो ब्लू रंग की है ब्लू रंग की आईडी ब्लू रंग की आईडी एंड
14,000 हमेशा चेक करा करो डिस्काउंट्स वगैरह का, स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह फायदा उठाया करो अगर आप माइनर हो पुराने मैकबुक से पुराने का पूरा स्टेट था ये डिस्प्ले से पूरा स्टेट जो M1 का था दिखे M3 प्रोसेसर ला के देखेंगे पता लगे वो वाला कैमरा चल नहीं रहा चल रहा है कैसे सारे चढ़े तो हैं इसके सामने भाई वो तो कोई नहीं बीच बीच में बोल रहा हूँ। हेलो गाइस, सो हम रिव्यू करने वाले हैं मैकबुक एयर ये वाला ब्लू कलर 512 M3 चिप। कैसे लगा कलर आपको ये? नहीं यार कलर बहुत बढ़िया लगा स्टारलाइट की है ये yes. अगर ये कलर नहीं होता तो स्टारलाइट नहीं यार पर इसकी इसकी लगी टोर है ऐसे किसके है भी नहीं। हाँ सिल्वर है सर के पास सिल्वर देख देख के ना बोर हो गए आईपैड आईपैड भी भाई आईपैड भी भाई फिर मैकबुक भी भाई बट ये कलर एक्चुअली डिफरेंट है और इसका जो चार्जर है ना ओ भाई चार्जर तो पहले तो एप्पल ने काफी बड़ी बढ़िया किया है कि मैगसेफ ले आए उस पर दो है हाँ और इसमें दो USB-C टाइप है। यूरोप में चार्जर नहीं मिलता हाँ लैपटॉप के साथ यूरोप वाले हाँ जी अच्छा अच्छा पता नहीं भाई बाकी तो आज हम गियंग के साथ करने वाले हैं रिव्यूज बताने वाले हैं इसको बंद करके खेलते थार व्लॉग गाइस तो इनका व्लॉग लीक हो गया है थार व्लॉग लीक नहीं हुआ है थार व्लॉग टाइटल को चोर होगा आ जाएगा कल तक 3, 2, 1 गो चुचु तो ये है मैकबुक का लैपटॉप अच्छा अच्छे डिस्काउंट मिल गया हमको हाँ हमें काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट में मिल गया था रेहान की हमने स्टूडेंट आईडी दिखाई 14,000 ऑफ 5,000 वाली 25,000 अगर हम दूसरे मॉल से लेते तो वहाँ पर स्टॉक नहीं था हमें पता नहीं था कब स्टॉक आएगा वहाँ पे हमें चाहिए था ज़रूरी जो कि इनके ब्लॉग में आएगा हाँ अभी नहीं आएगा और ये तो टाइम लगेगा कहीं नहीं वही वहाँ पे हमें मिल रहा था 66,000 का 66 इसका ओरिजिनल प्राइस है 89,000 80-90 समझ लो सो कैसे किया इंडिया तो 160 का है हाँ वो फिलिपीन पैसों में बता रहा हूँ मैं इंडिया में डिफरेंट प्राइसेस हैं वो कन्वर्ट कर सकते हो आप पर इतना डिस्काउंट 89,000 से 66,000 वो डील तो भाई बहुत बढ़िया थी पर उनके पास स्टॉक ही नहीं था वहाँ पे तो हम बताएं कैसे डिस्काउंट ले रहे थे हम बता दो सो 89,000 था वहाँ पे प्रोमो लगी हुई थी ऑलरेडी 10,000 ऑफ था एंड 10,000 ऑफ हो जाता तो 79,000 पे मिल रहा था हमें 512 GB फिर उसके बाद इसकी स्टूडेंट आईडी अगर लगाते या कोई भी जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे 13,000 वो 15,000 ऑफ दे रहे थे वो स्टूडेंट आईडी पे 15,000 ऑफ दे रहे थे सो ऐसे कट कट के हमें 25,000 का या फिर ऐसे हो सकता है जिस दिन गए थे उस दिन स्टॉक हो हाँ अगर स्टॉक होता तो हमने उसी दिन ले लेना हाँ चलो कोई नहीं जो किस में बाकी ये भी ठीक है बढ़िया वही सेम ही है सेम चीज मिली थी सेम ही चीज है बट सस्ते में उनको पहले से उससे भी सस्ते मिले उसे असली प्राइस से हाँ तो गाइस ये गंक का लेक्चर था अब रिव्यूज देखो बता अब तू बता रिव्यूज तो जैसे कि अब नहीं कोई बात तो जैसे कि आप देखते हो ये कीबोर्ड तो टच वाला हटा दिया है एप्पल ने टच पैनल है नहीं यहां पे वही इनका फेवरेट हां टच पैनल होना चाहिए इस पे मैकबुक नेक्स्ट टच कीबोर्ड हां टच पैनल क्यों नहीं है वो यार अब डेव लोगों की वजह से टच वाला हटा दिया इंडिया से तो कोई कंप्लेंट नहीं थी भाई हम वही तो... इंडिया के इतने सख्त लौंडे होते हैं चलो गाइस नॉर्मल कीबोर्ड है वही नॉर्मल है तो ये इस पे थंबनेल लगता ना नहीं इस पे लगता अच्छी बात है और ये फिंगरप्रिंट सेंसर फिंगरप्रिंट भाई फेस आईडी से अच्छा है ये हां क्योंकि फेस आईडी भाई फोटो पते वकी भाई ये वॉच स्ट्रेस की स्क्रीन हां स्क्रीन का डिस्प्ले बहुत बढ़िया है कितना होता था हां अब इन्होंने बड़ा कर दिया स्क्रीन की डिस्प्ले एंड ये थोड़ा नॉच ला दिया है नॉच थोड़ा अच्छा लगता है देखने को हां एप्पल वाली लुक दी है एप्पल वाली एंड मैंने जो चीज नोटिस की थी मैं इस पे ब्लॉग वो कर रहा था एडिट भाई इसकी जो स्मूथ इतना है ना सीरियसली क्योंकि इसमें M3 चिप है और मुझे फील हुआ
कि फास्ट है काफी, सच्ची बहुत फास्ट है। आगे तो फास्ट है, न्यू आ जाएगा तब तो स्लो हो जाएगा। हाँ वो मुझे बग की बाद अभी पढ़े हैं 7 महीने अभी मुझे नहीं पता है, बट बाल का नहीं मुझे पता है, बट अभी मैंने जो फील किया डिफरेंस फास्ट आया, सही टाइम एक ही व्लॉग अपलोड किया मैंने, सही है यार। जून को आएगा नहीं? हाँ तब स्लो हो जाएगा। हाँ जी तो कोई नहीं, अगर आप नहीं अपडेट करोगे फिर नहीं होगा। जब वो तो तब की तब देखेंगे, फिलहाल अभी तो एंजॉय कर सकते हैं। ये 7 महीने बहुत है। तो ये रहा इसका वॉलपेपर, बेस्ट भाई, मतलब नीचे ग्रीन, तो ये ब्लर कर एकदम फोटो लीक। जब तक तेरा ब्लॉग आएगा उससे पहले मेरा आ जाएगा। हाँ सच, मेरे तो परसों आएगा। हाँ। नहीं नहीं मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। अच्छा फिर एंड लीक करने को। ओके गाइस कैंसिल। अब क्या दिखाऊंगा स्मार्ट सेंस पे? भाई मैंने डाउनलोड किया है सैमसंग के लिए, सैमसंग से फाइल्स इन वो थी ट्रांसफर। चलो एप्पल इतना तो अच्छा करती है, ये प्लस पॉइंट एप्पल को भाई। हाँ कि उन्होंने थोड़ा दिया है ऑप्शन कि हम फाइल ट्रांसफर कर सकते, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है सैमसंग टू एप्पल। इन्होंने खुद ऐसा भी बनाया स्मार्ट स्विच मूव पता नहीं था एप्पल में कर सकते हैं। हाँ बट इस मैंने यूट्यूब से देखा था। हाँ सो यूट्यूब जिंदाबाद, कोई भी क्वेश्चन हो यूट्यूब से पूछ लो। तो मतलब मेरे आईफोन आईपैड से पीसी हो जाएगा ट्रांसफर? हाँ आराम से स्मार्ट स्विच से, बहुत बढ़िया क्वालिटी, गिरती नहीं बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया क्वालिटी रहती है। 8K अगर 8K और एप्पल में है ही नहीं सच्ची स्क्रीन, वो अलग बात है। नहीं इसमें 5K है। हाँ इसमें 5K है। चलो बाकी आईपैड यूजर्स शर्म कर लो। मैकबुक एयर और प्रो में क्या डिफरेंस है? मैकबुक प्रो में फेस आईडी है। हाँ जी बस इसका ही और साइज थोड़ा बड़ा है। हाँ मैकबुक प्रो इसलिए महंगा है और कलर थोड़ा घटिया है। मैकबुक प्रो में है नहीं ना मिडनाइट कलर, उसमें है नहीं। तो भाई मुझे तो सिंपल बात है, मुझे एयर पसंद है क्योंकि एयर पता क्यों भाई कंपैटिबल है, इजी टू कैरी, छोटा है। नहीं इसका बड़ा वाला है सस्ता मिल जाता है, उसी सेम चीज सस्ते में, सस्ते में मिल जाती है। नहीं बट इसका बड़ा वाला भी है, मैंने 13 इंचेस वाला इसलिए बड़ा वाला सस्ता मिल गया था हमको टाउन सेंटर, उसका स्टॉक था। हाँ वो हमको 75 को मिल रहा था, वो हमें 75,000 का मिल रहा था, ये हमें 76,000, बट साइज चाहिए ये था छोटा, बट वो 256 GB भी था ना, वही 500 वाला कितने का। सो जितना बड़ा साइज कर देते हैं उतना महंगा, बट मेरा मतलब मुझे तो छोटा बढ़िया लगता है क्योंकि लैपटॉप का आपका यही है कि आप इसे कैरी कर रहे हो ना, सो बड़ा क्यों लेना है आपने। इतने का आपका हाई एंड पीसी बन जाना था। हाँ अगर पीसी रखना है वो बड़ा ठीक है वो घर पे, क्योंकि वो कैरी नहीं करना है लैपटॉप का, ये होता है आपने कैरी करने से इसलिए हल्का सा हो इजी सा, और इतने पतले साइज में भी इतना तेज आपको लैपटॉप मिल रहा है और क्या चाहिए, और वो भी कम प्राइस में प्रो के कंपैरेटिव। वही भाई एप्पल का मैकबुक अच्छा जो मर्जी हो जाओ पर इसे इस तरह नहीं, पर एप्पल के लैपटॉप तो अच्छे हैं। एप्पल बढ़िया ही है भाई। एप्पल नहीं वो वीडियो नहीं बोलना भाई, बाकी तो एप्पल सिंपल है बस। एक बार ही चेक कर ले, माइक चल रहा है तेरा? मेरा भी चल रहा। चल रहा है चल रहा है चल रहा है। हाँ और क्या बताना है रिव्यूज में? और अब खोल ली ना, अब उसके फीचर्स जैसे कोई एडिटिंग ट्राई करो, जैसे M3 का दिखाने कितने स्मूथ है। एडिटिंग कैसे करो इसमें ये दिखा दो। ओ भाई जो आपको ओल है मैंने आईपैड है ये जैसे ऐसे ऐसे करी जाओ ये लैग नहीं करता। नहीं नहीं वही वो तस्वीर का जो था मैकबुक उसमें थोड़ा लैग करता था। हाँ उसमें ऐसे ऐसे ना लोडिंग होने लग पड़ती थी, वही देख लिया था हमने कितना टाइम लगता है, फिर रीसेट करना पड़ता था बार बार, बट ये अभी नया भी है ना सो धीरे धीरे। उसमें 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 कौन सा वीडियो आने का कितना टाइम लग जाता था उसमें। हाँ इसमें फास्ट है वही। ओ भाई कितने हर्ट्ज है? मुझे पता नहीं ध्यान हर्ट्ज वगैरह का इतना स्पेसिफिकेशन चेक कर लो भाई। 120 तो होना चाहिए क्योंकि क्या मैकबुक एयर, मैकबुक एयर मिडनाइट ब्लू। तो जैसे गाइस बाकी आप देख सकते हो ये मैंग भैया का एडिटिंग चीज अस्त्र आई मूवी। तो जैसे कि आप देख सकते हो क्वालिटी चेक करो कितनी अच्छी है, जो M1 मैकबुक है उसमें तो लैग करता है। ये क्या हो गया अच्छा ऐसे ही है M3 का ऊपर को ही कि मैंने खुद अभी की ऊपर को बहुत हो गया भाई बाकी ब्लॉग में देखो।
कौन है? फोन आ जा रहा है मनवीर का। गाइस इनको इनकी बीवी का फोन आ रहा है। ये लिखा है एयर हैज 60 हर्ट्ज बट ये 2023 वाला है, पता नहीं कितना हर्ट्ज है, 120 तो होगा शायद। खोलो इसको, नहीं 120 लगता है। इसका क्या पासवर्ड है? दो या 120 हर्ट्ज है इस पे। ओके सो गाइस हमने डबल चेक कर लिया है। M3 में है, M3 has 120 हर्ट्ज। ओके 14 इंच आपका 13.9 हां 13.6 इंच है। नहीं हां जितना भी इसलिए लैग नहीं कर रहा ना। चलो एंड 60 हर्ट्ज से बकवास होता है। और क्या देखना है? और ये लैपटॉप एडिटिंग के लिए तो मुझे लगता है बेस्ट है, बाकी गेमिंग वगैरह के लिए नहीं, उसके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है। मेरे आईपैड भी उतरे हैं। हाँ बढ़िया है, मतलब ओवरऑल गुड है, मतलब सही है यार। और क्या देखना है? और क्या, कैमरा क्वालिटी? हाँ कैमरा क्वालिटी देख लेते हैं इसकी। कैमरा क्वालिटी लाइक आईपैड ही होगी, सो कैमरा क्वालिटी ज़्यादा। हाँ कहाँ गया भाई? मैं ब्लूपर्स भी लगा दूँगा आपके एडिटिंग से बना के रखे मैंने मीम से, पता नहीं मैं हमेशा इंटर में लिंकडिन पे लिखूंगा। ओके अभी मैंने साफ हुआ कि नहीं कहना हो गए, देख देखने को पता लग रहा है। ओके सो ये है इसकी नहीं, मेरा फेस तो आने इसलिए इस कैमरा रखा हूँ। तो कैसी है कैमरा क्वालिटी? ओ भाई आईपैड ऐसी है, आईपैड जैसी है, आईपैड से अच्छी है। हाँ जैसे होनी चाहिए वैसे ही है लैपटॉप के अकॉर्डिंग। वही तो भाई मैं सेकंड में बिल्ड कर दूंगा मैं। चलो हाँ जी, और बाकी तो 5K रेजोल्यूशन है इस पे। हाँ, 120 हर्ट्ज 5K सो काफी और भाई अच्छा है वही। और बाकी चीजें मैंग भी ने भी इतना कुछ भरा नहीं है क्योंकि हमने कर ही लिया है इसको, अभी स्टार्ट ही किया ना, सो हम बताते रहेंगे टाइम टू टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम बता रहे होने तो नहीं चाहिए बट पता नहीं ना, एप्पल नहीं गेपल है, सो देखते रहेंगे कैसा चल रहा है। अभी एक ही ब्लॉग एडिट किया है, वो भी छोटा सा ही था, इतना बड़ा नहीं। वही और वही इतना तेज टेस्टिंग तो तब होगी ना जब बड़ा ब्लॉग एडिट करेंगे, तब पता लगता है कि क्या है भाई। वही क्योंकि तब लोडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तब जैसे M1 में मेरा की बस हो गई थी, क्योंकि अगर 1 घंटे का हो ना टाइमलाइन फिर पता लगता है कि क्या स्पीड है, तो तब देखेंगे हम। गाइस वैसे हम जा रहे दुबई, हमारी मीटिंग है वहां पे। देखते हैं अगर तो वही लिखा हुआ वही ने लिखा तो है, तो लिखा तो है, तो आज की बाय बोलता हूं मैंने अपने शगन के। बाय, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चाइना व्लॉग में। चलो देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपको, बाय बाय। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो गैंग। ये देखो गाइस बिहाइंड द सीन्स सेटअप कैसा लगा आपको? हेलो गरम गरम, ये देखो स्टूडियो 2 करोड़ का स्टूडियो। चलो भी जितने का भी है किराए का हम दो रहे हैं।